Hi, this is Sandeep Ved. I'm here to talk about a very serious issue. आज से ढाई साल पहले किसी लड़की का रेप किया गया था और आज एक आवाज जो उसी लड़की के लिए उठाई गई वो भी उसी तरह से बंद कर दी गई. And I have some quotes from the documentary. Let's try and go through these quotes and understand why exactly was this documentary taken down. I mean, what was so shameful about this documentary that we could not take as a nation or as a government. And by the way, this documentary is available throughout the world. So the whole world can see this documentary, but Indians can't because of these things. Let's start. At 7 minutes and 30 seconds into this documentary, the guy who was driving the bus in which the rape happened, one of the accused and awarded a death penalty, he says these words, and I quote him, "A boy and a girl are not equal. A girl is supposed to do household chores while the boys can roam out." These are the words of a rapist. But these sound familiar to me. Let me tell you where I heard them very recently. Let's have a look. आप ये बताइए, अगर भगवान ने आपको एक घंटे के लिए लड़की बना दिया तो आप क्या करेंगे? घर में बैठेंगे और क्या करेंगे. तो अगर आप भी बम्बई में होंगे और बम्बई की लड़की बनेंगे टनाटन एकदम खूबसूरत, तो भी नहीं घूमनेगा? क्यों नहीं घूमनेगा? नहीं. अच्छा, आपके हिसाब से लड़कियों को क्यों बाहर नहीं घूमना चाहिए? क्यों नहीं घूमना चाहिए? हाँ, जो हमारे देश की वो परंपरा है. तो आपके हिसाब से औरतों को सिर्फ खाना बनाना चाहिए और घर पे बैठना चाहिए? और क्या. एंड ही इज नॉट अलोन बाय द वे. ही इज वन ऑफ दोज हंड्रेड्स थाउजेंड्स लैक्स मे बी मिलियंस ऑफ पीपल हु कम फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स सिटीज हु आर underprivileged, downtrodden, poor, and they come with these mindsets into our urban lives. The driver also mentioned that one among the six, who was a juvenile, he put his hand inside the lady's vagina and pulled out something which he said could have been her intestine. That happened, yes. The whole world is watching this, but we aren't. He pulls out her intestine, and for this, the psychiatrist of the jail where they are currently has this to say. He says their conditions are such, there's overcrowding. It's common to see their women being abused by their own partners or husbands, and they actually see prostitution all around them. So for them, it's common, and when they are punished for the act that happens so commonly around them, they're surprised as to why us? What have we done? हाथ घुसा के एक अंतड़ी तो निकाली है, उसके बाद क्या किया? एक सड़िया ही तो घुसाया है, औरत ही तो है ना, कुछ भी करो उसके साथ क्या फर्क पड़ने वाला है? सर एक बात ये बताइए, आपने उनकी आंतें निकाली थी, हम आपके गोटे निकाल देंगे, चलेगा आपको? पिछवाड़े में से हाथ घुसा के मतलब अंदर से कुछ निकाल देंगे, ऐसे चल जाएगा ना, होता रहता है. नहीं नहीं, हम तो मर्द हैं भाई, हैं एक डंडा दो छर्रे लगाकर हम मर्द बन रहे हैं यहाँ पे, और हमको लग रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी औरत के साथ कुछ भी कर सकते हैं. Now what the driver says is that क्या बड़ा काम हो गया, हमने रेप कर दिया तो. अरे हमसे बड़े बड़े केस हुए हैं, पाप सुनने में आया था कि परसों किसी का रेप करके उसकी आंखें निकाल दी, हमने उसका रेप करके उसकी आंतें निकाल दी, तो क्या हुआ? परसों बाराबंकी में किसी का रेप करके उसको जिंदा जला दिया था, देखो उनको नहीं पकड़ा हमें पकड़ लिया है. एक सबक के लिए उनके साथ ये घटना हुई थी, तो ये उनको सबक सिखाना चाहते थे कि लड़के और लड़की को रात को 8:30-9 बजे बाहर नहीं घूमना चाहिए. नो, नॉट सपोज्ड टू डू दैट, सॉरी. एंड अनदर स्टेटमेंट दैट ही मेक्स, ही सेज, अब हमको एक बार फांसी दे दोगे ना तो उसके बाद ये औरतों के लिए डिसएडवांटेजेस, क्योंकि अभी तक तो लोग रेप करके छोड़ देते थे औरतों को कि भैया कुछ नहीं बोलेगी, शर्म के मारे कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन अब रेपिस्ट को फांसी देने के बाद अब लोग सीधा मार देंगे. जो क्रिमिनल मेंटालिटी वाले लोग होंगे ना, वो लोग तो रेप करके सीधा औरतों को मार देंगे. तो ये जो फैसला आप सुना रहे हैं हमारे अगेंस्ट, ये एक्चुअली औरतों के लिए खराब होगा आगे चल के. दैट्स द काइंड ऑफ मैसेज दे आर गिविंग टू द वर्ल्ड बिफोर लीविंग. You're understanding the psyche of these people. They don't have any remorse.
उनको ये नहीं लग रहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है. इनफैक्ट दैट समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द जेल, द साइकाइट्रिस्ट, द जजेस, द लॉयर्स, ऑफ कोर्स नॉट द डिफेंस लॉयर्स बट द अदर्स, दे सेइंग द सेम थिंग दैट दे आर नॉट एबल टू रजिस्टर द फैक्ट कि उनसे कोई गलती हुई है. होता रहता है, ये तो हमारा देश है, देश का कल्चर है, कल्चर में तो होता ही रहता है. औरत तो बनी है इन सब चीजों के लिए. एंड यू नो व्हाट्स द फनीएस्ट पार्ट, द वाइफ ऑफ वन ऑफ द रेपिस्ट्स इज एक्चुअली डिफेंडिंग हिम. शी इज एक्चुअली क्राइंग आउट लाउड एंड सेइंग हमें हमारे पति पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा नहीं कर सकते, वो हो ही नहीं सकता ऐसा, देखिएगा बुरा वक्त है, टल जाएगा. एंड देन व्हेन शी इज टोल्ड दैट ही इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड सून, शी इज सेइंग ऐसा होता है क्या, देखिए औरत तो पत्नी पति के साथ ही होती है, अब हमारे पति को आप अगर मार देंगे तो हम क्या करेंगे, हम भी तो मर जाएंगे, हम जहर खा लेंगे, हमारा छोटा सा बच्चा है हम उसका भी गला घोट देंगे. सीरियसली वुमन, दैट्स व्हाट यू आर. पति नहीं होगा तो मर जाऊंगी, पति चाहे साला रेपिस्ट है, खूनी है, दरिंदा है, दैट्स ऑल यू कैन से कि हमारा पति सब कुछ है हमारे लिए, चाहे वो एक खूनी दरिंदा ही क्यों ना हो. एंड The mother of that convicted guy is crying. हमारा बेटा सब इसी के लिए तो पाल कर बड़ा करते हैं उसको कि हमारी चिता को अग्नि दे, अब हम ही उसको जला देंगे. मैडम आपके उस बच्चे की वजह से न जाने कितनी मोमबत्तियां जली है, मालूम है आपको? उस बच्ची की लाश जली है जो डॉक्टर बन रही थी, जो अपने गांव में अस्पताल खोलना चाहती थी, जो आप जैसे बुजुर्गों का जिनका कोई सहारा नहीं है उनका इलाज करना चाहती थी. आप जानती हैं आपकी बेटी की वजह से वो लड़की मरी है, और ऐसी न जाने कितनी लड़कियों की उम्मीदें मरी हैं जिनको अभी उनके माँ बाप बाहर नहीं जाने देंगे क्योंकि भाई जमाना बहुत खराब है. Another fun fact. In Maharashtra, at one point of time, they came to know that 10,000 fetuses were killed. Can you guess how many of them were women? 60%. 70%, 90%. It's a figure she is quoted. 9,999 of them were female fetuses. That's the educated society we live in. Oh yes, we are an educated society, aren't we? Yeah, we're a free country, free speech, don't we? We only pull down videos from YouTube. Of course, we pull down AIB roast also, right? Remember? They pulled it down because उसमें बहुत सारी गालियां थी. All India बकचोद नाम में ही गाली है. तो उस वीडियो को इसलिए निकाला क्योंकि उसमें बहुत सारी गालियां थी. और इस वीडियो को क्यों निकाला? इसमें तो कोई गाली नहीं थी. मैं बताता हूं क्यों निकाला. इस वीडियो को आप लोगों ने इसीलिए उतारा क्योंकि ये खुद में एक बहुत बड़ी गाली है इस देश के ऊपर, इस देश की सिक्योरिटी के ऊपर, इस देश के कल्चर के ऊपर, इस देश के हर उस मर्द के ऊपर जो ये सब सोचता है. ये गाली है इंसानियत के ऊपर. फेस इट, थिंक अबाउट. नहीं हाय ठीक है यार, सोचकर क्या कर लोगे? क्या उखाड़ लिया? मैंने भी सोचा. क्या बनाया? वीडियो बनाया. तुम क्या करोगे? देखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और उसके बाद कटलोगे. यार बहुत सारी वेबसाइट्स पे सेल वेल भी चल रही है. क्या मतलब बैठ रहे हो, एक बहुत ही सीरियस वीडियो देखा, वो भी आखिरी तक देख लिया तुमने ये वीडियो? लाइक सीरियसली, कम ऑन, जाओ यार, फलानी वेबसाइट पे सेल लगी है, फलानी दुकान में सेल लगी है. दैट्स व्हाट मैटर्स, राइट? वी आर द रिसर्जेंट डेवलपिंग इंडिया. होता रहता है, रेप हैपेंस एवरी 20 मिनट्स. आई एम श्योर बाय नाउ देयर मस्ट हैव बीन अ रेप. नहीं क्या? नहीं, ओके, हो जाएगा थोड़ी देर में यार, बिग डील. नॉट दैट वी आर बॉदर्ड और नॉट दैट वी विल कम टू नो अबाउट इट आइदर. सो इफ यू रियली थिंक यू कैन डू समथिंग अबाउट द वर्ल्ड, जस्ट गो आउट देयर एंड मेक अ चेंज टू वन पर्सन. आई फील आई एम सक्सेसफुल इन मेकिंग अ डिफरेंस. बड़ा संभाल के, क्योंकि जमाना खराब है. थैंक यू.